पुरुषों में कैथेटर की देखभाल। आवश्यक सामग्री: एक साफ स्टेराइल ट्रे जिसमें कटोरी, दो गौस के टुकड़े, एक साफ ट्रे जिसमें साफ वॉशक्लोथ, गर्म पानी का जग एक, नॉर्मल सलाइन, छोटा मैकिंटोश एक, छोटा तौलिया एक, साफ दस्ताने एक जोड़ी, स्टेराइल दस्ताने एक जोड़ी, किडनी ट्रे एक, चिपकाने वाला टेप और कैची। मरीज का अभिवादन करें, मरीज को प्रक्रिया समझाएं और सहमति लें, मरीज को गोपनीयता प्रदान करें, हाथ धोएं, साफ दस्ताने पहने, प्रक्रिया के लिए पानी तैयार करें, पानी का तापमान जांच लें, मरीज को पीठ के बल लेटा दें, मरीज के पेरिनियल क्षेत्र के नीचे मैकिंटोश और तौलिया रखें, कैथेटर छुड़ाने के लिए एंकर टेप निकालें, लिंग की चमड़ी को पीछे हटा दें और कैथेटर सम्मिलन साइट को सूजन या स्राव के लिए निरीक्षण करें। लिंग की नोक को गोलाकार गति का उपयोग करके पहले साबुन और फिर पानी से धोएं। इस्तेमाल किए गए कपड़े को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर एक नए साफ कपड़े से साफ कर लें। चमड़ी को उसकी पूर्व स्थिति में ले आएं। दस्ताने उतार दें। बाउल में नॉर्मल सलाइन डालें। स्टेराइल दस्ताने पहनें। सलाइन में भिगोए हुए गौस स्वैप का उपयोग करके कैथेटर को छिद्र से बाहर की ओर 3 से 5 सेंटीमीटर के लिए साफ करें। प्रक्रिया फिर से दोहराएं। चिपकाने वाली टेप के साथ कैथेटर को छांग से चिपका दें। उपयोग किए गए सामान को हटा दें। दस्ताने निकालकर हाथ अच्छे से धो लें। मरीज को आरामदायक स्थिति में लेटा दें। प्रक्रिया को फाइल में लिख लें। यह पुरुषों में कैथेटर देखभाल की प्रक्रिया को पूरा करता है। याद रखने योग्य बातें: यूरिनरी कैथेटर और यूरोबैग को संभालने से पहले और बाद में हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। हमेशा सुनिश्चित करें कि मूत्र मार्ग को संक्रमण व घर्षण से बचाने के लिए कैथेटर को अच्छे से चिपकाए रखें। मूत्र रिसाव की जांच करें, यदि मौजूद है तो कारणों की पहचान करें और उचित प्रबंधन करें। एक स्टेराइल और सतत निकासी व्यवस्था बनाए रखें। कैथेटर और ड्रेनिंग ट्यूब को मुड़ने से बचाए रखें। अबाधित मूत्र प्रवाह को बनाए रखें। यूरो बैग को हमेशा ब्लैडर के लेवल से नीचे रखें। यूरो बैग को फर्श पर न रखें। यूरो बैग को उसकी 2/3 क्षमता से अधिक न भरने दें। अनिर्जीवाणु संग्रह कंटेनर के साथ मूत्र निकासी आउटलेट के संपर्क को रोकें। किसी भी संक्रमण की पहचान करने के लिए मूत्र के रंग का निरीक्षण करें। मरीज की नियमित गतिविधियों के दौरान यूरो बैग को व्हीलचेयर, वॉकर इत्यादि के साथ ही रखना चाहिए। मरीज को गरिमा प्रदान करने के लिए यूरो बैग को कपड़े के थैले के अंदर रखा जा सकता है। मरीजों को प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ का अच्छा सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नियमित मल त्याग सुनिश्चित करें। प्रतिदिन 1 बार और मल त्याग के बाद कैथेटर देखभाल करें।